एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं भाई आप सभी उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे हस्त पूछ स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और आज हाँ जी आज आपका होने वाला है मॉक टेस्ट और इस मॉक टेस्ट को बहुत सीरियस लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक मॉक टेस्ट कराया था और ये वाले देखो वो मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी था ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से पेपर आता है कैसा पेपर आता है और कैसे कैसे आप अटैम्प करोगे यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ अपना नोट करते रहना एक कॉपी ले लो अपना जो भी है नोट करते रहना ठीक है अगर आपका आंसर ठीक निकलता है तो गिव योर सेल्फ प्लस फाइव अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो गिव योर सेल्फ माइनस वन ये चीज़ आप करेंगे और आपको अटैप्टो जो करने हैं क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कितना करना है फोर्टी करना है यू आर हैविंग फिफ्टी क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटैम्प ओनली फोर्टी क्वेश्चन एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट मच टूडे क्योंकि आज हमको मॉक टेस्ट करना फटाफट उतने ही टाइम में जितना टाइम आपके पेपर में दिया जाता है गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड एवरी वन डू शेयर दिस Session, अपने दोस्तों के साथ जितने भी आपके पास ग्रुप से वाई जेड कहीं के कितना ही कोई भी ग्रुप है देखो बेटा हमको सिर्फ पढ़ने से मतलब रखना है और हम उसको शेयर भी कर देंगे ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ाई मिल जाए सो so, आज हम क्लास वेस्ट नहीं करेंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा सीधा जाते हैं आगे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका कि ह्यूमरल इज मेडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन ऑफ टी इंफोसाइट एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाईसाइट एच सी एल बाई स्टमक बाइट ऑफ स्नेक फटाफट से आंसर कर देंगे आप सभी फटाफट से आंसर कर देंगे आई एम वेटिंग फॉर योर देखो अगर मैं इम्यूनिटी की बात करती हूँ तो आपके पास इनटॉर्ड दो तरीके की इम्यूनिटी होती है एक्वार्ड वाली जो बाहर से होती है इनट वाली जो हमारे अंदर बाय बर्थ होती है इनट भी चार तरीके की अंदर होती है पहले फिजिकल जैसे स्किन और म्यूकस हमारे अंदर हो गया फिर फिजियोलॉजिकल जैसे सलाइवा, ए, HCL, इन, हो गया फिर सेल जैसे बीसी के लिए हो गया मैक्रोफेजेस हो गया जिसके अंदर हमारा ह्यूमरल भी आता है राइट right? देन हमारे पास आता है कौन सा देन हमारे पास आता है इंटरफेरोन वाला जिसको हम बोलते हैं क्या भैया मेरे को उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है इंटरफेरोन वाली हमारी आती है लास्ट वाली फुल एंड फाइनल ठीक है जो कि हमारे इफेक्टेड यस इंटरफेरोन हमारे लास्ट में फुल एंड फाइनल वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स जो हमको प्रोटेक्शन देते हैं इंटरफेरोन रिलीज करके राइट right? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा ह्यूमरल किसकी है ह्यूमरल एक तरीके की सेल मेडिएटेड है और यहां पे आपकी ये फॉर्मेशन होती है बी बिलिम्पोसाइड से टी हेल्पर सेल होते हैं तो यहाँ पे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपका ह्यूमरल एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म परफॉर्म किया जाएगा यहाँ पे सारा काम किसका है बी का है तो डू नॉट गो फॉर ए यस टी लिम्फोसाइट कभी भी एक्चुअल काम नहीं करते दे आर जस्ट हेल्पर सेल दे आर जस्ट हेल्पर सेल हेल्पर समझते हो ना बस किसी की हेल्प करना बी की हेल्प करना ठीक है चलिए आगे चले बेटा आगे चलें जिसने इबी आंसर किया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे है आशरेशन कि एनालॉगस ऑर्गन आर रिजल्ट ऑफ़ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रीजन आई ऑफ़ ओक्टापस ऑफ़ मैमल डिपेट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखो मैंने आपको चीज़ याद करा रखी है मैंने आपको कहा था ह्यूड

से अटैच होती है हमारी आईज हमारा रेटिना स्किन से अटैच नहीं होता है ऑक्टोपस तो की आईज जो होती है वो ब्रेन से कनेक्टेड नहीं स्किन से होती है हमारा ब्रेन से कनेक्शन होता है डायरेक्ट तो राइट तो वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बट परफॉर्मिंग सेम फंक्शन तो इट इज अ काइंड ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी एनालॉगस organ तो यहां पे दोनों ही चीज आपकी क्या हो जाएंगी गलत हो जाएंगी दोनों ही क्या हो जाएंगी हमारी गलत हो जाएंगी ठीक है चलो एम सी क्यू सीरीज कब शुरू होगी बहुत जल्द अभी हो जाएगी थोड़े दिन में एक दो दिन का वेट करो परसों से या तरसों से शुरू हो जाएगी परसों तरसों से शुरू हो जाएगा आगे देखो ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विद हाई लेवल ऑफ मिनरल्स वाइटमिन एंड प्रोटीन इज कॉल्ड सोमेटिक हाइबडाइजेशन बायोफोर्टाफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन एंड माइक्रो माइक्रोप्रोपिगेशन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो बेटा यहां पे क्या होता है यू हैव टू टू टेक सेल्स उन दो सेल्स का प्रोटोप्लास्ट निकाल लो और उन दोनों का प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म निकाल के फ्यूज कर दो एक नया सेल बना दो और आपको पता है जब इस तरीके की एक्टिविटी हम करते हैं जब दो सेल्स का प्रोटोप्लास्ट हम मिला देते हैं तो वहां पर वो अपने आप ही क्लीवेज शो करना शुरू कर देता है डिवाइड करना शुरू कर देता है तो दैट इज सोमैटिक हैब्रोडाइजेशन बायोफोर्टिफिकेशन येस बी बी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एजाज एग्रीकल्चर बेटा दीपू स्वराज बहुत बढ़िया बी बी विल बी करेक्ट आंसर बायो फोर्टिफिकेशन बायो मैग्निफिकेशन में, में, क्या होता है कोई भी केमिकल है हाइयर ट्रॉपिक लेवल तक चला गया वो होता है माइक्रो माइक्रोप्रोपिकेशन हम टिश्यू कल्चर के लिए वर्ड यूज करते हैं तो आंसर विल बी बी जिसको बी है वो प्लस फाइव कर लो जिसने कुछ और आंसर किया है माइनस फाइव वन कर लो बाय विच मैथड वॉज अ न्यू ब्रीड हिसार डेल ऑफ शेप फॉर्मड बाय यूजिंग बिकानेर ईव एंड मेरियानो रेम्स मैंने कल ही समझाया था ये कल ही बताया था आपको जल्दी से बताओ आंसर क्या है

क्रॉस ब्रीडिंग है किसने म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहा है बी बी वालों अपना आंसर गलत करो जैसे एसपेरेंट लाइफ है नेहा कुमारी ने बी आंसर किया है इट इज नॉट म्यूटेशनल ब्रीडिंग इट इज अ क्रॉस ब्रीडिंग राइट और ये पंजाब के अंदर की गई थी राइट right? चलिए आगे चले आगे है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन कुकुर बेस एंड कोकोनट्स आर मोनोशियस प्लांट पपाया एंड रेड पाम आर डाइशियस प्लांट लीच एंड टेप पर आर बाइसेक्शुअल एनिमल्स स्पंजेस एंड सिलेंट्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स अब आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यस yes. देखो यहां पे हमको पता है कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर दोनों तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं एक ऐसा एनिमल जो आपके अलग अलग जेंडर रखता है एक ऐसा एनिमल जो आपके इक्वल दोनों ही जेंडर एक जगह पे रखता है प्लांट के अंदर मोनोशियस वो होता है जिसके अंदर क्या हो जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों हो डाइशियस वो होता है या तो उसके पास मेल हो या उसके पास फीमेल हो इनमें से एक होगा बाइसेक्शुअल में पता चल रहा है दोनों एक ही सेक्स होंगे वहां पे है ना एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी होगा फीमेल भी होगा बट यहां पे इसने कहा कि आपका जो स्पंज एंड सिलेंट्रेट है ये यूनिसेक् नो, इट इज ऑल्सो अफ बाई सेक्सुअल एनिमल वाली स्टेटमेंट क्या है गलत हो जाएगी इनकरेक्ट हो जाएगी राइट right? आगे देखें ऑटोगी कैन एक्कर इन चेज़मोगेमस फ्लॉर इफ

किसी और स्पीशीज के साथ रिजांबल करते हैं और यहाँ पे इनके अंदर हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चैजमोगैमस में क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है ठीक है बट अगर हमको वहां पे क्या कराना है सेल्फ पॉलिनेशन कराना है ऑटोगेमिंग करानी है तो वी हैव टू डू कि क्योंकि दो कारणों से ही होता है उनको हम रिमूव कर देंगे कि दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट को एक टाइम पे मे्योर कर देंगे हाइट उनकी बराबर कर देंगे कई बार ये होता है कि फीमेल बड़ी लंबी होती है मेल छोटा होता है तो इस वजह से भी चेसबो के अंदर ये फीचर होता है या फिर अलग अलग टाइम पे मेच्योरेशन होती है तो यहाँ पे हमको क्या कर देना है हमको यहाँ पे कर देना है आपका भैया सी वाला कि बोथ पॉल एंड ऑफ यू विल मेच्योर साइमल्टेनियसली या फिर इनकी हाइट बराबर कर देंगे तो वो भी एक रीजन यहाँ पे

बताओ जल्दी से यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा देखो बहुत इजी है कोई भी डाउट वाली बात नहीं है संदेह वाली बात नहीं है आपका एंडोस्पम कैसा होता है 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 ना एंडोस्पर्म कैसा होता इज 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 इक्वल 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 टू 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 यानी पूछा क्या है यहाँ पे गैमिट गैमिट कैसा होता है हैप्लोइड होता है जायगोट भी पूछा होता तो हम आंसर कर देते जी सिक्सटीन सिक्सटीन है ना ये कैसा होता है आपका जायगोट हो गया ये आपके क्या हो गए गैमिट हो गए तो आंसर इज एट आंसर ज एट हमको पता है यहां पे आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा एट हो जाएगा जिसने आठ आंसर किया है गिव योर सेल्फ प्लस फाइव एंड जिसने कुछ और आंसर किया है गिव यू हैव टू टेल एंड स्कोर बताना है आखिरी में देखो मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पे हवा दूंगी आपको ठीक है मतलब हवा देने का मतलब मैं टाइम नहीं दूंगी यहाँ पे फटाफट करना क्योंकि हमको इतने ही टाइम में करने फाइव फिफ्टी क्वेश्चन एमर विद मोर देन सिक्सटीन ब्लास्टोमियर फोर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्म इन ट्रांसफर्ड इन टू यूजरस फिलोप इन ट्यूब फिम्रिया एंड सर्विक्स सो वी ऑल नो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे अगर एट ब्लास्टोमियर होता अगर यहाँ पे क्या होता

ూటర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ శ్రేయాుడ్ మార్నింగ్ బటా ఆగే చల్ आपके पास दो कॉलम है कॉलम वन एंड कॉलम टू आपके पास एक तरफ आपके डिजीज़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना इससे इंपॉर्टेंट आपको कोई क्वेश्चन नहीं लगने वाला है यहाँ पे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे और ये तो बहुत ज़्यादा ये एक एक ही तरीके में मैं ले आई कॉलम वन आपको जब इनका पता चल जाएगा तो दूसरे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है ठीक है चलो बताओ जल्दी से यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा आपको मैच करना है आपको यहाँ पे क्या करना है मैच करना है आपस में इनको तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से मुझे बता दो क्योंकि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिख नहीं रही होगी ज्यादा सी है ना इजी है देखो हमारे पास ना बहुत सारे डिजीज पूछे जाते हैं इसके अलावा भी इसके अलावा भी हमारे पास डिजीज पूछे जाते हैं जैसे कि मैं बात करू क्लेम आइडिया जैसे कि मैं बात करूं क्लेम आइडिया क्ले माइडिया क्लेम आइडिया पूछा जाता है जो कि आपका हो जाता है किसकी वजह से जो आपका होता है क्ले माइडिया Rico mattis. Mattis.

सिर्फ एक ही रीजन की वजह से जो हमारा कौन सा हो जाता है ट्रिपनोमा कौन सा हो जाता है बेटा ट्रिपनोमा यानी आपका इसका थर्ड हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास फर्स्ट हो जाएगा इसके अलावा और भी आपके पास डिजीज है जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पूछे पूछे जाते जाते हैं हैं जैसे कि अगर मैं बात करती हूं यहां पे किस चीज की जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आपके पास एक डिजीज आता है जिसको हम कहते हैं एक तरीके से कॉरियोइर कैनक्रोइ करके हम नाम देते हैं क्या बोलते हैं कैनक्रोइ करके नाम देते हैं है ना स्कैन करोइड ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसी के साथ आपका एक ट्राइकोमोनाइसिस ट्राइको

एस्टेब्लिश दोनों को फायदा कमेंसलिज्म एक को फायदा एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे देखो एथलीट फूट इज कॉज बाय टीनिया पैडिस टीनिया कैप्टिस कैनिडा एलबिकन एंड रिकेटिया जल्दी बताओ यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा हेलो बेटा हेलो सक्षम ओके जल्दी बताओ यहाँ पे एग्जांपल क्या होना है जल्दी 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 फटाफट से देखो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो आपका टीनिया पैडिस यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला है टीनिया पैडिस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अब कई बार दूसरा भी पूछ लिया जाता है ये आपके हेयर्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करती है ये किसको इन्फेक्ट करती है आपके हेयर्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करती है आपके फॉलिकल्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करती है जहां जहां पे भी हेयर है जहां जहां भी हेयर है उस स्किन को ये आपको अफेक्ट करती है वहीं पर अगर मैं कैनेडिया एल्बिकन की बात करती हूँ तो कैनेडिया एल्बिकन आपके माउथ को माउथ माउथ और वजाइना यानी कि आपके इन जो ओपनिंग वाले रीजन हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करती है ठीक है रिकेट्सिया की अगर मैं बात करती हूं तो ये आपका दूसरे ऑर्गेनिज्म में ही रहता है है ना यहां पे हमेशा जैसे कि आपके माइट्स हो गए लाइस हो गया इनके अंदर ज्यादा पाया जाता है तो आपको यहां पर आंसर क्या लिखना ए हमेशा ही आपको ट्रिप्टोफैन वगैरह ये वाली चीजें नहीं आएंगी कई बार ये वाली भी आ जाती है इट इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट चलिए चलो आगे चले

आ, मच, मच्छर के अंदर यानी मच्छरनी के अंदर वो अपना सेक्शुअल वाला करती है कंप्लीट राइट right? अब यहां पे आपको लग रहा होगा मैम कैसे देखो सबसे पहले मच्छर हमको काटता है तो उसके स्पोरो हमारे अंदर आते हैं क्या आते हैं उसके स्पोरोजॉइट्स हमारे अंदर आते हैं और वो हमारे लीवर को इन्फेक्ट करते हैं डायरेक्ट लीवर के अंदर असेक्सुअली डिफाइन करेंगे कहेंगे मीरोजॉइट अब वो मीरोजाइट ब्लड में आएगा दोबारा से और आरबीसी के अंदर घुस जाएगा और उसको कहेंगे और वो बार 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 असेक्सुअली डिवाइड करेंगे अब ट्रोफोजोइट जो है गैमेटोसाइट की फॉर्म में बन जाते हैं डेवलप हो जाते हैं और हमारे ब्लड में आ जाते हैं अब हमारे को फिर से मच्छर काट लेता है तो उन गैमेटोसाइट्स को मच्छर अपने गट में ले जाएगा और वहां पर उसके गट के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन उधर ही होता है

आंसर विल बी बी यस ये काफी पूछे जाते हैं ये बहुत ये तो बहुत ऑफनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये तो है ही कि कौन से स्टेज को क्या कहेंगे आपका लीवर है तो आप मीरोजोइट बोल देना अगर आपका आरबीसी है तो ट्रोफोजोइट बोल देना ये भी आप याद रखेंगे आगे देखें कि फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क आपके पास है मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया एंड वाटर वेपर्स एट 800 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आपका मीथेन, uh, सॉरी आपके पास मीथेन नहीं है आपके पास कुछ और ही आ गया यहाँ पे प्रोपेन हो गया ये आपका प्रोपेन हाइड्रोजन अमोनियम अमोनियम NH4 है ना याद रखना जिस बच्चे को नहीं पता मैं बता दूं NH4 आपका अमोनियम होता है अमोनियम दोनों अंतर है और NH3 जो होता है ये आपका अमोनिया होता है एंड अमोनिया इज अ गैस एंड अमोनिया अमोनियम इज अ सॉलिड राइट सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपके पास यहाँ पे क्या है आपके पास अगेन मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया वाटर वेपर्स एट 600 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आपके पास प्रोपेन हाइड्रोजन अमोन अमोनिया ही है एंड वाटर वेपर एट 600 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस राइट हमको पता है एस एल मिलर ने आपके क्या लिया थे आपके पास उसने ली थी तीन गैसेस तीन गैसेस कौन सी कौन सी थी हाइड्रोजन मिथेन अमोनिया वो भी 800 सौ डिग्री सेल्सियस पे साथ ही साथ वाटर वेपर्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए थे तो आंसर विल बी ए एयर करेक्ट आंसर विल बी ए एयर जिसने ए आंसर किया है वो अपने आप को प्लस फाइव करे और बाकी सभी अपनी माइनस वन करें भैया जिसने गलत आंसर किया है आगे देखिए आगे आपके पास है आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है ओरिजिन ऑफ लाइफ का कि यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा देखो इवोल्यूशन का है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर फॉर्मेशन ऑफ डी बेस्ड जेनेटिक सिस्टम पहली बात तो ये सबसे पहले आपका ऑर्गेनिक मोनोमर आया था है ना जिसके अंदर हमने बात की थी एस्पार्टिक एसिड एसपार्टिक आपके लाइजेंस की बात की थी जो अमीनो एसिड से सबसे पहले एक सिंगल मोनोमर आया फिर बहुत सारे मोनोमर मिल मिल के पॉलीमर बनाते हैं पॉलीमर से आपका प्रोटोबायंट आता है प्रोटोबायंट जो कि रेप्लीकेट तो कर लेता है बट वो आपका क्या नहीं करता किसी तरीके से आगे जेनेटिक मटीरियल इनहेरिट नहीं करता है राइट उसके बाद आपका डी एन ए बेस्ट जेनेटिक सिस्टम आता है यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ये इस तरीके का सीक्वेंस आपका आ जाना चाहिए यानी कि सेकेंड थर्ड फर्स्ट एंड फिफ्थ सेकेंड थर्ड फर्स्ट एंड फिफ्थ सी विल बी योर करेक्ट आंसर सी विल बी योर करेक्ट आंसर देखो टाइम आपको नहीं लगाना है जब तक मैं आपको डिफाइन करती हूँ तब तक आपको आंसर कर देना है यहां पे राइट चले आगे चले बेटा आगे देखो कि द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फैकेंडिटी सर्वाइविंग एबिलिटीज कैरिंग कैपेसिटी बायोटिक पोटेंशियल तो फेकेंडिटी हम इसको बोलते हैं इसको हम फर्टिलाइजेशन की वो बोलते हैं जो हमारे फर्टिलाइजेशन करने की एबिलिटी होता है फर्टिलाइज करने की रिप्रोड्यूस करने की ठीक है तो एक तरीके से इसको हम फर्टाइल वर्ड के लिए यूज करते हैं एक फर्टाइल ह्यूमन भी होता है कोई भी चीज़ होती है कोई भी चीज है हम बोलते हैं फर्टाइल है यानी इसके अंदर जीवन संभव है तो उसको हम बोलते हैं इट इज फैकेंडिटी राइट तो फैकेंडिटी फर्टाइल वर्ड के लिए बोला जाता है सर्वाइविंग एबिलिटी जो आपका वहां पे सर्वाइव कर जाए एक ऐसा सर्कमस्टांस कैरिंग कैपेसिटी एक ऐसा एरिया जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जितना हम कर सकते हैं मान लो इस रूम के अंदर कितने लोग सौ लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं तो सौ लोग क्या है इसकी कैरिंग कैपेसिटी है तो आंसर इज सी है और बायोटिक पोटेंशियल है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं तो वहां पर कितनी पॉपुलेशन आपकी ग्रो कर सकती है राइट right. तो यहां पे आंसर विल बी सी आंसर विल बी सी आपको आंसर भी मैं एज वेल एज बता रही हूं कि कौन से वाला क्यों है इतना तो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूं तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा आपकी अ लोकेशन विद लग्जेरियट ग्रोथ ऑफ लाइक एन ऑन द ट्री इंडिकेट दैट ट्री आर वेरी हेल्दी ट्रीज आर हैवीली इन्फेस्टेड लोकेशन इज हाईली पॉलिटेड लोकेशन इज नॉट पॉलिटेड सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि लाइक आप सभी को पता है लाइकिन आपकी होती है किस चीज से बनी हुई बेटा आपकी होती है फंजाई और आपके एलगी से बनी हुई होती है और सिम्बाइटिक एसोसिएशन में होती है अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो इनको तो हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं इंडिकेटर इनको हम तो क्या तो बोलते तो तो हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी बोलते हैं अब आप बोलोगे जी इंडिकेट क्या करती हैं लाइकेन कभी भी ऐसी जगह में सरवाइव नहीं करती है जो पोल्यूटेड हो क्या हो जो पोल्यूटेड हो अगर कहीं पे आपको लाइकेन दिख रही है इसका मतलब है कि वहां पे साफ सुथरा वातावरण है अब ये इंडिकेट किसको करती है याद रखना ये आपके एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है किसका है ये आपके एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है या आपकी सोइल वॉयल को नहीं करती एयर को करती है इंडिकेट एयर के अंदर भी क्या करती है आपका सल्फर डाई सल्फर को है ना सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड इसको ये इंडिकेट करती है अगर आपके पास इन्वायरमेंट में बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड है तो ये ग्रो नहीं करेगी एयर पोल्यूशन में भी इसका पर्टिकुलर है कि भैया ये पॉल्यूटेंट के लिए ये है याद रखना इस चीज को तो आंसर इज कि लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड आपका यहां पर हो जाएगा ठीक है चलिए डी डी हो गया चलिए बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एल नीनो इफेक्ट एल नीनो इफेक्ट क्या है आपको बताना है एल नीनो इफेक्ट क्या है ये आपको बताना है टेम्परेचर राइड लीड्स टू ऑल क्लाइमेटिक चेंजेस कटिंग डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल प्लांटिंग मॉरटरी स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन चलो मैम ये किसका क्वेश्चन था ये किसका क्वेश्चन तुमको ये नहीं पता ये क्वेश्चन किसका था इन्वायरमेंटल इशूज का क्वेश्चन था बेटा ये आपका आखिरी चैप्टर सबसे आखिरी कैश चैप्टर जो आपका है उसका था ये ठीक है देखो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूं बेटा एल नीनो किसको बोलते हैं जब, है, जब आपका टेम्परेचर के अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है इसी का अपोजिट एक और इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं नीनो इसको हम क्या बोलते हैं नीनो यानी कि यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा नीनो का मतलब

राइट right? आगे देखिए एक्सेलरेटेड यू ट्रॉफिफिकेशन आप कर ड्यू टू आपका e वजह से होता है इंक्रीज़ इन अमाउंट द वॉटर अनसेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अब देखो पहले समझो कि यू e ट्रॉफिफिकेशन क्या होता है यू e ट्रोफिफिकेशन होता है जब भी कोई लेक या कोई भी वाटर बॉडी मिनरल्स में न्यूट्रिय में रिच हो जाए सडन ऑफ उसके

वाला सही हो जाएगा तो जिसने बी आंसर किया है गिव योर सेल्फ प्लस फाइव गुड मॉर्निंग प्योर हर्ट गुड मॉर्निंग बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अंजलि शाबाज फील किंग विश अंजलि विश्वकर्मा अवि बहुत बढ़िया एजाज बहुत बढ़िया गीतिमा बहुत बढ़िया आगे चलो मायोमेट्रियम इज अम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ यूट्रोस मायोमीट्रियम ड्यूरिंग ज्यूरिंग आपको बताना है यहाँ पे देखो ये बात इसने सही कहा है कि इसके अंदर कुछ भी गलत दोहराई की बात नहीं है मायोमेट्रियम आपकी कैसी लेयर है जो कभी भी स्लोड ऑफ नहीं होती है मतलब स्लो ऑफ होने का मतलब वो उतरती नहीं है आपकी एंडोमीट्रियम uh, है जो पीरियड के टाइम पे मैं टाइम पे स्लो ऑफ होते हैं स्लो ऑन होती रहती है, है ना? आती रहती है जाती रहती है आती रहती है जाती रहती है बट माओमीट्रियम एंड पेरीमीट्रियम वहीं पर पे रहती है पेरीमीट्रीम

नो डाउट जल्दी से बताओ अच्छा आफ्टर बर्थ मैंने आपको एक बार समझाया था ना अगर आपको ध्यान है तो मेरे को ध्यान है कि जब मैंने आपको वन शॉट कराया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तो मैंने वहाँ पे आपको समझाया था आफ्टर बर्थ होता है कि देखो जो बेबी का प्लेसेंटा होता है वो इतना निन्ना सा नहीं होता वो काफी लंबा चौड़ा होता है ठीक है आपका प्लेसेंटा जब निकलता है पहले तो बेबी का बर्थ होगा इट इज कोल्ड बर्थ जब उसके बाद प्लेसेंटा निकलती है एकदम से कुछ सेकेंड्स के बाद या कुछ मिनट के बाद तो उसको हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ यानी यहाँ पे हमारा प्लेसेंटा क्या हुआ है एक्सपेल्ड ऑफ हुआ है

क्रिएटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीटोशन के दो काम होते हैं पहली बात ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं लव हॉर्मोन और इसी की वजह से मिल्क का सिक्रेशन होता है प्रोलैक्टिन से मिल्क की सिंथेसिस होता है है, होता है बनता मिल्क बट उसका बाहर निकल जाना जैसे आपने कभी देखा नहीं होगा कभी पूछना अपनी मम्मी मम्मी से कि मम्मी, क्या कभी ऐसा होता है कि अगर जब हम बच्चे थे हमको भूख लगती थी हम ची 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 रोते रहते रोते थे आपका जो दुध था वो अपने आप ही निकल जाता था क्या तो आपकी मम्मी कह जी बेटा हाँ तो उनको बताना वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है क्योंकि मम्मी में और बच्चे में एक लव रिलेशन होता है आपका प्यार मोहब्बत का एक अनूठा ही मतलब कि निस्वार्थ भावना आपकी होती है वहां पे तो जैसे ही बच्चे को भूख लगती है तो मम्मी को पता चल जाता है कैसे उनके स्तन से आपका अपने आप ही दूध निकलना शुरू हो जाता है मिल्क सीक्रेट अपने आप ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है एंड दिस इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन राइट अब यहां पे इसके अलावा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का इसका काम होता है तो यहां पे आपका दो काम होंगे आपका मिल्क का

हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो वी ओल्ड नो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास जब भी एनोर्बिक की बात आती है तो एनॉर्बिक में बहुत सारी गैसेज हमारे पास आएंगी एंड वट आर दीज गैसेज एंड वट आर दीज गैसेज जल्दी से बताइए साइलेंट क्यूट अर्चू बहुत बढ़िया बेटा अंजलि दीपू स्वराज प्रतीक्षा पाठक बहुत बढ़िया देखो मैं आपके आज नाम नहीं ले रही हूँ आज मैं आपका बहुत फोकसड हूँ इस चीज़ को लेके कि आपका टाइमली चीजें हूँ आप सीख पाए दो चीजें कि आपको एक तो बहुत ही जल्दी ना एक्यूरेसी पे बड़ा ध्यान देना है एक्यूरेसी यानी कि आप जो भी आंसर कर रहे हैं वो सही आंसर कर रहे हैं और कम से कम समय में कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सेवटी के अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे टाइम कम होंगे ये समझ लो दो क्वेश्चन है तो सौ मिनट आपके पास है तो आपके पास थर्टी सेकेंड फोर्टी सेकेंड हार्डली एक क्वेश्चन के लिए रहने वाली है ठीक है तो ज्यादा टाइम नहीं है तो यू हैव टू यू नो गिव फास्ट फास्ट वाले आंसर तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा मीथेन हार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कभी भी नहीं होती है नॉर्मिकली प्रोड्यूस एज वेल well एज हमारा ये ऐसे नहीं हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है तो ये तो हमको पता ही है मीथेन तो मेन प्राइमरी गैस है यहाँ पे ठीक है ओके okay. विवेक गुप्ता मिस्टर ब्लॉगर बहुत बढ़िया बेटा ठीक है चलिए आगे बहुत बढ़िया सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ़ न्यूक्लियो पॉलीहेडो वायरस बैसिलस टोबैको मोजाइक वायरस एफिड ट्राइकोडर्मा बैक्यूलो वायरस बैसिलस थुरस या फिर आपका ऑसेलेटेरिया राइजोबियम एंड ट्राइकोडर्मा वट विल बी द आंसर वट विल बी द आंसर यस क्या हुआ बेटा दीपू क्या हुआ यस yes, यस yes, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो हमको पता है नोस्ट्रोक की बात कर लो एजोस्पीडम की बात कर लो ऑसलेट की या राइजोबियम की यहाँ पे बात करो ये किस चीज के काम आती है ये आपके फोर्सफोरस या फिर आपका नाइट्रोजन को फिक्स करने के काम आते हैं राइट वहीं पे तो आपका यहाँ पे देखो एफ ये एफ क्या है ये तो अपने आप में ही एक आपका क्या है इसको तो कंट्रोल करना है बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये तो कंट्रोल करने वाली चीज है ये एजेंट थोड़ी है इसी को कंट्रोल करना है ठीक है टोबैको मोजाइक वायरस किसी तरीके का कोई बाई कंट्रोल एजेंट नहीं है राइट तो यहाँ पे आपके पास आंसर एक ही है एंड दैट इज सी यस दैट इज सी ट्राइकोडर्मा बैक्यूलो एंड बैसिलस थुरेंजिनस ट्राइकोडर्मा इज अ काइंड ऑफ फंजाई जो कि आपकी जितने भी रूट बॉन्ड डिजीज है उनको कंट्रोल करती है अगर आपके रूट सिस्टम में कहीं पे भी फंजाई आ जाती है तो आपका प्लांट सैलेनिटी ड्रोट कंडीशंस को सरवाइव कर जाएगा ठीक है यस yes. आगे चले बेटा

आगे देखिए आपके पास है मोनस या आपका पता ये स्टेटिन रिलीज करता है और स्टैटिन आपका क्या होता है ये आपका जो कोलेस्ट्रोल को बनाने वाला एंजाइम है उसको चांटा मार देता है जाकर भगा देता है कहता है शट अप डू नॉट डू दिस राइट यहाँ पे फिर वो डी कर देता है कि आपका काम नहीं करना है आपको लोवरिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल तो यहाँ पे आपके पास ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है बस ये वाली यहां पे गड़बड़ हो गई कि माइक्रोवेव अगर यहाँ पे कुछ और लिख देते तो हमारा काम चल जाता है क्लोस्टेडियम ब्यूटिलिकम आपका ब्यूटरिक एसिड बनाता है

आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डी एन ए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट रेट्रोवायरस टी प्लाजमेड ये क्या है फाइव फाइन अल्फा 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 फेज एंड यस 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 जेरी का चीज यस तुस्ती तुस्ती को याद है हमने क्लास में पढ़ा था जेरी का चीज विश चीज यस शर्मा जी स्विट्जरलैंड गए यस yes. खाली पेंसिलियम नहीं उसका बाद वाला भी याद भी याद याद करो, करो, स्पीशीज रोकी ये भी याद करो चलिए तो यहाँ पे आंसर इज रेट्रोवायरस। वी ऑल नो हमारे पास जब भी ह्यूमंस की बात आती है तो यहां पे हम रेट्रोवायरस यूज करते हैं प्लांट्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पे टीआई प्लाजमिट यूज करते हैं राइट

कैसे याद कर लो जैसे चाहो बट इसको रट लो इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैसिलस थुरेंजिनस में सिर्फ क्राइजीन पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है क्राइजीन पे ही क्वेश्चन आता है इसके अलावा कुछ नहीं आएगा बैसिलस थुरेंजिनस में क्राइजीन के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बीटी की फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे वो आपसे आगे देखो आपके पास दो कॉलम है अब आपको बताना है क्या क्या हो जाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम तीन से चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे वाले तीन से चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि टफेस्ट के अंदर आपका आएगा है ना हार्ड वाली कैटेगरी में आपके यहाँ पे आएंगी चीज़ें ठीक है कोई बात नहीं सो के एजाज इट्स ओके दैट्स वाई वी आर हेर और आंसर फटाफट आने चाहिए आप लोग बहुत स्लो आंसर कर रहे हो इट्स लाइक कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ ऐसा है तो मुझे बता दीजिए मैं स्पीड कम कर लूंगी देखिए आपके पास पहला है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन और अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन क्या करती है ये हमारे टिश्यूज को डैमेज करता है ये हमारा क्या करता है टिश्यू डैमेज करेगा और इस टिश्यू डैमेज होने की वजह से हमारे एम्फीसेमा होता है एल्वोली का सरफेस एरिया कम हो जाता है जब हमारे नॉर्मली स्मोकिंग के टाइम पे ये होता है तो आपका पहले क्या जाएगा इसका पहले का तीसरा आ जाएगा ठीक है फिर है हमारा ट्रांसफों ट्रांसफों को हम जंपिंग जीन भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम जंपिंग जीन

ठीक है चलिए क्लियर है ये बात किसी को कोई डाउट यहां पे किसी को कोई डाउट और अपने दोस्तों को बता देना भैया कि हाँ जी सोनिया मैम अब आ गए हैं अब डेली एमसीक्यू कराया करेंगे तो एक काम करो रेडी हो जाओ जस्ट गेट रेडी कि आपको फटाफट से ना करना है फटाफट से खूब ज्यादा पढ़ना है ठीक है आगे देखो कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इनिव स्पीशीज इसमें से कौन सी एक इन्वेजिव स्पीशीज नहीं है नॉट एन इन्वेजिव स्पीशीज पार्थिनियम ऑसियम लेंटाना इकॉर्निया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बढ़िया अब देखो मुझे बताओ ऑसिम इन सेंटम क्या होता है चाय में डाल के पीते हो

है 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 ना B, ना ना पूजनीय चलिए हो गया इसने पूछा ध्यान ध्यान से पढ़ो ये तो होगा का मतलब क्या होता है इसका भाई भी होता है सेंकटम के अलावा एक और आता है।, है ध्यान तो भाई थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दीजिए बिल्कुल वैसे तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बस इतू सा इत्तु इत्तु सा ध्यान और बेटा बस इतो सा और ध्यान दोगे ना तो बात ही बन जानी है सारा ही खेल इतने से का होता है इतने से इधर गए फोन की तरफ या किसी और डिस्टर्बेंस की तरफ तो खराब चीज है इतो सा सही चीजों की तरफ आ गए तो हमारा एग्जाम क्लियर इतो सा ध्यान। देखो इन ए नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ओनली एंटायर इकोसिस्टम सिस्टम फोना ओनली फ्लोरा ओनली तो यहां पे ना बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मैं आपको समझाऊंगी ये कौन सा चैप्टर बेटा मिक्स क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में क्या होता है पूरा सिलेबस होता है और आपको चैप्टर वाइज लेट मी टेल यू बच्चों आप सभी को चैप्टर वाइज टॉप थर्टी टॉप थर्टी हर क्वेश्चन के आपके पास सोलह क्वेश्चन चैप्टर्स हैं सोलह चैप्टर के हर चैप्टर के टॉप थर्टी क्वेश्चंस जो हैं टॉप थर्टी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और ये आपका लेट मी टेल यू लाइव नहीं रहने वाला है क्योंकि लाइव अगर मैं लूंगी तो बहुत लंबा खिंच जाएगा आपको से थर्टी थर्टी मिनट की आपकी वीडियो मिलेगी ठीक है तो आप वीडियो वाले सेक्शन में चेकआउट करते रहिएगा वीडियो वाले सेक्शन में चेकआउट करते रहिएगा और पांच बजे मेरी जो क्लास होती है वो आपकी रेगुलर होने लग गई है तो वहां पर भी ज्वाइन कर लिया करूँ शाम वाली को ठीक है अब ये तो आपको मैं की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी सो देर इज नथिंग वरी अबाउट ये आपका शुरू होने वाला

एंड देखो बेटा यहाँ पे ना कमाल की चीज क्या थी कमाल की क्वेश्चन चीज ये थी कि ना हमारे पास ना एक खास चीज है जिसको हम बोलते हैं नेशनल पार्क नेशनल पार्क के अंदर आपके प्लांट्स भी होते हैं उसका खुद का इकोसिस्टम भी होता है उसके खुद के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं है ना तो आपका यहाँ पे अगर इसने एक ऑप्शन दिया होता अगर इसने एक ऑप्शन दिया होता जिसके अंदर लिखा होता फ्लोरा एंड फोना दोनों बोथ अगर ये वाला इसने यहाँ पे दिया होता तो मैं ये ज्यादा मोर एक्यूरेट मानती ये आपका ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाता बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे गिवन ही नहीं है इसने फोना ओनली बोल दिया तो गलत हो गया ना

बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शिवायिन बेटा यस yes, बहुत बढ़िया प्योर हार्ट बहुत बढ़िया एवरीवान विच पेयर ऑफ जोग्राफिकल एरिया शोज अ मैक्सिमम डायवर्सिटी इन आर कंट्री हमारे भारतवर्ष में कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज जहां पे ज्यादा है सुंदरबन एंड रन ऑफ कच्छ एस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट केरला एंड पंजाब बताइए गुड मॉर्निंग नूतन राज बेटा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फटाफट से बताइए देखो यहां पे आपका एक क्वेश्चन और आ जाता है जहां पे हम बोलते हैं नंबर ऑफ एम्फीबियंस की बात करते हैं किसकी बात करते हैं नंबर ऑफ एम्फीबियंस की नंबर ऑफ एम्फीबियंस कहां पे है आपका कई बार ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट पर आ जाता है कि बताओ किस तरफ आपका ज्यादा क्या है आपका नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ज्यादा है डायवर्सिटी किस तरफ ज्यादा तो हमेशा याद रखना ईस्टर्न और वेस्टर्न के अंदर वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा क्या मिलती है बायोडाइवर्सिटी मिलती है एज वेल एज एमेजोन हो गया ओशन हो गया और आपका हिमालयाज हो गया ये बहुत अच्छे ये चार चीज याद कर लो क्योंकि हमारे इंडिया की पूछा है तो इंडिया के अंदर एमेजन फॉरेस्ट तो आता नहीं है है ना पूरा ओशन भी इंडिया में भी नहीं आता है तो इसीलिए वो यहाँ पे नहीं है ठीक है बाकी अगर हालांकि वैसे नॉर्मल पूछा जाता तो एमेजोन जिसको लंग्स ऑफ प्लानट भी हम बोलते हैं याद रखना इस चीज़ को ठीक है चलिए ठीक चाहते बटाने लिया विच वैक्टर के एंड क्लोन ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बैक यैक प्लाज्मिट एंड कॉस्मिट देखो बेटा आपके पास वैक्टर अलग अलग तरीके के होते हैं अलग अलग बेस पेयर्स के डीएनए को करने के लिए क्लोन राइट right? मान लो हमको छोटा सा फ्रेगमेंट यूज करना है इफ यू वॉन्ट टू क्लोन स्मॉल फ्रेगमेंट देन वी विल गो फॉर वी विल गो फॉर प्लाजमिट ठीक है अगर हमको लार्ज करना है अगर हमको कोई लार्ज फ्रेगमेंट करना है तो लार्ज फ्रेगमेंट के लिए आप करोगे कौन सा ये आर्टिफिशियल क्रोमोज करोगे ऐसे ही बैक कॉजमिट होते ये हमारे अलग अलग होते चॉइस के अकॉर्डिंगली आ जाता कौन सा ज्यादा सूटेबल रहेगा तो आपका कितना बेसपेयर का कोई डी है कितना छोटा कितना बड़ा फ्रेगमेंट है उस चीज को देखते हुए वैक्टर डिसाइड करते हैं और दो

फटाफट से देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से आप आंसर कर दो प्यारे प्यारे बच्चों और अपनी तैयारी को बहुत शानदार से कर लो उमदा कर लो उमदा और एवरी वन कंजूसो मेरे प्यारे कंजूस हो वैसे तो मैं बीच में इतना बोलती नहीं हूँ बट कम से कम इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ कि एटलीस्ट आई डिजर्व ए टैप ऑन योर स्क्रीन है ना वन ऑन योर लाइक बटन वन ऑन योर सब्सक्राइब बटन राइट आई डिजर्व और नॉट इतना तो करती हूँ बेटा मैं कौन सा आपसे पैसे मांगती हूँ यहाँ पे इतना तो कर ही सकते हो Yes, B. B is your correct answer. B is your correct answer. B. Agrobacterium.

जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंजाइम का करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए बड़े बड़े वेसल सो से लेके हजार लीटर तक बड़े बड़े बर्तन तासले कटोरे कटोरे तो नहीं ड्रम टाइप जिसको हम बोलते हैं बायो रिएक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं बायो रिएक्टर है? जो कि ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है लैब के अंदर कोई फ्लास्क लोगे आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा बायो रिएक्टर में मेंटेन रहेगा ठीक है ठीके? याद रखना यहाँ पे अगर बात करूँ आपके पास एक कोर्स है हाँ ये खत्म नहीं हुई है कहानी खत्म नहीं हुई है कहानी अभी भी है अभी भी है ठीक है यहाँ पे आपके पास एक बैच

इसके अंदर हम लाइजोजाइम यूज करते हैं मिथाइलेज एंजाइम यूज नहीं करते हैं एनी कोई ऐसा बच्चा जिसको मालूम है बैक्टीरिया की सेलवॉल किस चीज से बनी हुई है सेलवोल किस चीज से बनी हुई है हाँ, कोई तो होगा यस बी इज इनकरेक्टली मैच बट वाई वाई किस चीज की बनी हुई होती है पैप्टिडोग्लाइकिन की बेटा पेप्टिडो हाँ बिल्कुल नेहा कुमारी ने सही आंसर किया पेप्टिडोग्लाइकन की होती है आगे देखिए इन पीबीआर टू टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन टेट्रासाइक्लिन हैज रिकॉग्नाइजेशन साइट फोर विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडक्लियम तो आपको मैंने कहानी सुनाई थी ना एक आपको चीज याद कराई थी ना तुस्ती तुस्ती तुमको याद है क्या तुमको याद है कि हमने पेड़ बैच के अंदर एक आपके निमोनिक याद किया था वो निमोनिक हमने क्या याद किया था कि बंसल बैठा ट्रैक्टर पे कौन बैठा ट्रैक्टर पे बंसल बैठा ट्रैक्टर पे हमने ये बात करी थी कि नहीं करी थी हमने बंसल को ट्रैक्टर पे बैठाया था कि नहीं बैठाया था यहाँ पे हमारा क्या होता है टैट्राउंड साइक्लीन होता है ये टेट्रासाइक्लिन क्या है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर और इसके ऊपर हमने बैठाया था कौन बंसल को यानी यहाँ पे बंसल था बी ए एम एच वन बंसल सल बंसल यहाँ पे साल वन साल वन फिर मैंने कहा था आओ पढ़े यूवी यूवी पढ़ेंगे आओ पढ़े यूवी आओ पढ़े यूवी या फिर आओ पढ़े एसएसटी आओ पढ़े एसएसटी या फिर हम तुम पढ़े एसएसटी जो भी आपको करना है अब यहाँ पे हम या फिर आओ में हम तुम अपने आप की बात कर रहे होंगे यहाँ पे हमको करना है क्या यहाँ पे एम आओ पढ़े एसएसटी यानी कि आपका यहाँ पे पीएसटी आपका पढ़ेंगे आओगे तो हम दोनों ही पढ़ेंगे तो आपका पी फिर मैंने आपको क्या कहा था जय हिंद जय हिंद हम बोलते हैं हम बोलेंगे क्ला हिंद क्ला हिंद तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है क्लावन यहां पे आपके पास आ जाता है थ्री, राइट, और यहाँ पे वन, वन लिया जाएगा, याद कर लेना और यहां के साइड में ही रोप होता है ठीक है और रोप एक साथ क्यों होते हैं इस ओराई के अंदर और रेप्लीकेट करने के अंदर ये चीज आप याद रखेंगे तो रोप का फंक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है याद है तुस्ती क्या तुम्हें याद है येस yes, बी को तुस्ती को याद है दैट इज बी एम एच वन ठीक है बी ए एम एच वन ये टेट्रासाइक्लिन पे है याद कर लो इसको याद कर लो इसको बड़े काम की चीज है ये ठीक है हिंड थ्री का आएगा हिंड थ्री आपका किसी भी सिलेक्टेबल मार्कर पे है ही नहीं ना क्लावन क्लावन है आपका किसी भी सिलेक्टेबल मार्कर पे और ना ही आपका ई को राय है किसी भी सिलेक्टेबल मार्कर पे याद रखना इस चीज को ठीक है आगे देखो मनी कर्णी का ओके हेलो मनी कर्णी का बिल्कुल ऐसा डोप मार रही है चलो कोई बात नहीं जीन रोप प्रेजेंट इन पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू क्लोनिंग वैक्टर कॉड फोर किस चीज के लिए कॉड करता है अभी अभी मैंने बताया था द प्रोटीन इन इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन या फिर

अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रोप जीन का काम होता है कि ये हमारे रेप्लीकेशन में हेल्प करती है किसमें हेल्प करती है हमारे प्लाज्मिड को हमारा पी जो है उसको हेल्प करने के अंदर अंदरप्लीकेशन के अंदर हेल्प करती है तो यानी कि प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा बी हो जाएगा रोप रेप्लीकेशन याद हो जाना चाहिए बहुत ईजी है ठीक है आगे देखिए इन रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी प्लाजमिट वेक्टर इज क्लीव्ड बाय यानी कि काटा जाएगा modified DNA ligase, a heated alkaline solution, the same enzyme that cleave the donor DNA, the different enzyme that then that cleave the donor DNA. So we all know जो भी आपका donor DNA है या जो भी आपका plasmid है, उसको हम हमेशा ही एक ही एक ही enzyme से काटते हैं ताकि same kind of sticky end वहाँ पे बन जाए, same kind of uh, sticky end बनेंगे तो चिपकने में वो आसानी रहेगी, नहीं तो चिपकेंगे नहीं. तो answer is that cleave the donor DNA, same enzyme that cleave the donor DNA.

बहुत बढ़िया महेंद्र ने भी ठीक है नरेंद्र दुधाप

चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है चलिए तो यहाँ पे मैंने क्या कहा भैया इनका बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो इनके देख लिख, लिख लीजिएगा इकोराइ वन के लिए होता है जिसको मैंने आपने क्या कहा था गाटस हमने क्या याद किया था गाटस गाटस है ना फिर इसी का अपोजिट यहां आ जाएगा बी एम एच वन में हमने क्या किया था भैया यहाँ पे गगटस 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 बस यहां पे एक जी लगा देना और कुछ भी नहीं है बस यहां पे एक जी और लगा देना अपोजिट में बिल्कुल सेम ही हो जाएगा ठीक है चलो अच्छा इसका कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमने सोर्स कहाँ से लिया तो बैसिलस अमाइलो लिक्विफ एसियन से हमने इसको लिया था बी एम एच वन का इनका सोर्स भी पूछ लिया जाता है तो रिमेंबर आप इनका सोर्स भी करोगे इसका सोर्स आपको होमवर्क में करना है यह आपका क्या है होमवर्क है आप इसको कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ई कोराई हम किस सोर्स में निकालते हैं और बी हम किस सोर्स से निकालते हैं और यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो जी है जी है ए है ए है गलत नहीं है जी है जी है जी है जी है ए है ए है टी है टी है सी है सी सी है सी है सी है ठीक है जी है जी है जी है जी है टी टी नहीं है सी ए नहीं है यानी कि आपके पास एक ही आंसर है दैट इज बी टू एंड फर्थ जो आपका सेम रीडिंग दे ठीक है चलिए कोई बात नहीं है आगे चले बेटा आगे है कि बोथ हाइड्राक इन जीराक सक्सेशन लीड्स टू मीडियम वाटर कंडीशन जीरिक कंडीशन हाईली ड्राई कंडीशन देखो तो हाइड्राक आपका होता है जहां पे आपका हाइड्रोज वॉटर की क्वांटिटी बढ़े जीराक जो जीरिक कंडीशन यानी वाटर की क्वांटिटी घटे और जब दोनों ही सक्सेशन एक साथ हो जाए तो आपका ना तो घटेगा ज्यादा ना बढ़ेगा मीडियम कंडीशन हो जाएगी यानी यहां पे हमारे पास आंसर क्या हो जाता है मीडियम वाटर कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा मीडियम वाटर

वगैरह वो आपका सेकेंडरी के अंदर आ जाता है ठीक है अब इसके अलावा भी आपके बहुत सारे आते जाते हैं हमारे अलग अलग तरीके के हाइड्रॉक्सर पी क्या क्या आ जाते हैं ठीक है तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे हमारे कंडीशन कैसी हो जाएंगी मीडियम वाली हो जाएंगी कैसे वाली हो जाएंगी बेटा मीडियम वाली हो जाएंगी

इज प्राइमरी दैट इज प्राइमरी राइट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरीविटी प्लांट ने खुद के लिए बनाया है वो बट हमने उसको खा लिया हमने उसको कंज्यूम कर लिया और हमारे पास कैसे चला गया ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया यानी ऑर्गेनिक से नया ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बना लिया दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी राइट एंड इट इज डन बाय कंज्यूमर्स इट इज डन बाय कंज्यूमर्स तो आंसर विल बी ए आंसर विल बी

पहाड़ होगा मिट्टी टूटेगी वीदरिंग हो जाएगी आपकी पानी के भाव के साथ मिट्टी के साथ में जो डेल्टा बनते हैं आपके वहां पे आपकी क्या जाएगी अच्छी सी मिट्टी मिनरल वाली न्यूट्रिएंट वाली ठीक है तो यहाँ पे न्यूली फॉर्म्ड डेल्टा प्राइमरी का हो जाएगा रिमेंबर दिस थिंग आपका डी या ए आंसर जो दे रहे हैं बिल्कुल गलत इससे अच्छा है आप अटैंप ही मत करो अटैंप ही मत करो अगर आपको गलत आंसर करना है सही हो हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट हो तभी करो टेन मार्क्स की तो चॉइस है बेटा आपके पास चलो हिंदी में भी बता दूं आशीष बेटा हिंदी मीडियम के लिए आपको अलग से मैं कराती हूं तो प्लीज हिंदी मीडियम चैनल पे आप विजिट भी न्यूक्लियोसाइड एक आपके पास होता है न्यूक्लियोसाइड एक आपके पास होता है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेटा आपके पास होता है शुगर प्लस आपके पास क्या नाइट्रोजिनस बेस और वहीं पे न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस आपका हो जाता है फोस्फेट। अब अगर आरएनए की बात करती हूं तो जब भी आप आरएनए के टर्म्स में बात करोगे तो यहां पे आप अपने पायरिनी, पाइरीन या प्यूरीमिडीन के पीछे आयन लगा देते हो क्या लगा देते हो आयन लगा देते हो जैसे एडनिन के साथ आपका राइबोज शुगर जुड़ जाए तो आप कहोगे क्या एडिनोसिन ग्वानिनोसिन यूराइडी बट अगर जैसे ही आप डीएनए की बात करते हो तो डीएनए के अंदर आप प्यूर पैरामिडीन किसी के साथ शुगर जोड़ते हो तो वहां पे आप डिओक्सी वर्ड पहले लगाते हो जैसे कि डिओक्सी अगर आपने डिओक्सी राइबोज शुगर अटैच की है किसी नाइट्रोजेनस बेस के साथ तो डीएनए में आप क्या कहोगे डिओक्सीन डिओक्सी ग्वानिन या फिर डिओक्सी थाइमिन डिओक्सी यूराइसल हो तो होगा नहीं आपका क्या हो जाएगा आपका बेटा साइटोसिन uh, हो जाएगा ठीक है सो यू हैव टू रिमेंबर कि यूराडाइन इज आर एन ए के अंदर क्या है एक न्यूक्लियो साइड है क्या है न्यूक्लियो साइड है ठीक है यूराडाइन अभी आपका उसमें तो होगा नहीं डीएनए में याद रखना इस चीज को ठीक है याद रखना इस चीज़ को अच्छे से आगे देखिए विच ऑफ दर एन ए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल्स कौन सा RNA, सबसे ज्यादा अबंडेंट है ज्यादा पाया जाता है टी आर एन एम आर एन एम आई आर एन एन आर आर एन ए देखो हमारे पास यहाँ पे आ, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाएगा जिसका सबसे ज्यादा काम हो दैट इज राइबोजोमल आर एन ए क्योंकि उसको प्रोटीन बनाना होता है तो सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट आपका आर आर एन ए पाया जाता है, है ना क्या पाया जाता है सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट आपका ये पाया जाता है अब यहाँ पे इसकी बात करूँ तो कुछ हमारे पास ट्रांसफर आर एन ए होता है टी आर एन ए होता है जो कि आपका इधर से उधर भागने का काम करते हैं वर्कर हमको ज़्यादा चाहिए तो हमारे पास ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव कितना ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव हमारे पास ये होता है और वहीं पर एम आर एन ए जो है ये आपका टू से फाइव परसेंट होता है कितना होता है टू से फाइव परसेंट क्योंकि हमारा कुछ जेनेटिक मटीरियल का कुछ इन्फॉर्मेशन लेके रखता है जो प्रोटीन बनाएगा आगे तो आंसर इज आर आंसर आर एन ए आंसर इज आर आर एन ए यू हैव टू

था एरविन ने। फिर उसने कहा कि एडनिन जो है हमेशा ही के साथ बॉन्ड करता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन तीन बॉन्ड बनाता है ग्वालिन के साथ ठीक है जितना हाइड्रोजन होगा जितना सॉरी जितना ये होगा अगर मान लो ये जितना है उतना ही ये होगा अगर ये टेन परसेंट है तो आपके पास ये भी टेन परसेंट ही होगा कहने का मतलब अगर तो यहाँ पे कहा है एडनिन आपका तीस है अगर आपके पास एडनिन तीस है तो सीधी सी बात है भी कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा तो थाइमिन तीस है एक ही जगह अब आपके पास तीस ये तीस ये डी कने का 60% तो एडनिन और थायमिन में है बचा कितना 40% प्रतिश्वत। 40% प्रतिश्वत में से आधा आपका साइटोसिन का होगा आधा गुआनोसिन का होगा यानी 20 20% इन का हो जाएगा तो आंसर विल बी डी आंसर विल बी डी ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले भी समझाया हुआ है तो यू हैव टू रिमेंबर कि आप इनको अच्छे से आंसर करो सभी आंसर्स को राइट आगे देखे बेटा आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज अ इंड्यूसर इसमें से कौन सा इंड्यूसर नहीं है ग्लूकोज लैक्टोज ग्लेक्टोज बहुत ऐसी, बहुत बढ़िया बेटा लगे रहो थोड़ी सी देर की और बात है पांच मिनट की और बात है आपने सारे अटैम्प्ट कर लिए क्वेश्चन इससे ज्यादा और हमको क्या ही चाहिए हमारे पास एक घंटा ही हमारे पास ज्यादा हुआ है ठीक है दो तीन मिनट तो हमने बात भी की है बीच में तो एक घंटे के अंदर हम पचास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे विद एक्सप्रेशन दैट अ वेरी गुड थिंग बस फाइव मिनट्स मोर एंड यू आर ब्रावो माय गाइस यू आर ब्रावो राइट चलो यहाँ पे जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से हाय बेटा देखो यहां पे याद रखना आपके पास काफी चीजें पूछी जाती है मैं बता देती हूँ आपसे पूछा जाता है कि रेगुलेटरी जीन कौन सा है रेगुलेटरी जीन जो आपका होता है ना बेटा रेगुलेटरी जीन आपको बोलते आई जीन को बोलते हो किसको बोलते हो आई जीन को बोलते हो ठीक है फिर आप इंड्यूसर किसको बोलते हो

ये दो बड़े है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इंड्यूसर क्या होता है लैक्टोज होता है आपका है ना क्या होता है लैक्टोज होता है ये दो नहीं होते हैं तो इसने कहा कैन नॉट एक्टर्स ए और सी यानी आपका डी आंसर यहां पे हो जाएगा क्या हो जाएगा डी आंसर यहां पे हो जाएगा लैक्टोज किससे बना हुआ होता है ग्लूकोज से और ग्लैक्टो से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बस लगे रहो दो मिनट की और बात है क्लाइन सिंड्रोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे हाँ जी बेटा आशीष वर्मा बिल्कुल अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो हिंदी में पेपर आएगा इंग्लिश का तो इंग्लिश में पेपर आएगा डू नॉट वरी अबाउट इट डू नॉट वरी अबाउट इट चलिए जल्दी जल्दी बताइए हाँ जी ब्रेक होता है बट बेटा इंड्यूसर नहीं होता आपका लेक्टोज या ग्लूकोज से आपका रिप्रेसर एंजाइम नहीं होगा रिप्रेसर एंजाइम को लेक्टोज पसंद है उसको नहीं पसंद ग्लूकोज और वो आप देखो पढ़ते ना बहुत सारे ना लैक्टोज वो, लैक 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 वो इंड्यूसर होगा उसी इंड्यूसर मॉलिक्यूल का सारा खेल होता है ठीक है और आंसर इज यहाँ पे एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाई और ये आपका हमेशा मेल्स में होता है ऑलवेज इन मेल ये आपका होता है टर्नर ये आपका होता है टर्नर और ऑलवेज इन फीमेल ऑलवेज इन फीमेल आगे देखिए आपके पास अ मैरिज बिटवीन अ कलर ब्लाइंड मैन एंड अ नॉर्मल वीमेन प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगी देखो हम यहाँ पे विदाउट ऑप्शंस डायरेक्ट देख लेते हैं एक बार मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन यानी कि हमारे पास एक्स सी Y एंड नॉर्मल वीमेन एक आपकी नॉर्मल वीमेन है इसके बीच में क्या आपका आएगा एक्स एक्स सी एक्स एक्स सी एक्स वाई एक्स वाई तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाने वाला है पहला तो बोला कि कैरियर डॉटर बिल्कुल ठीक है ओल कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल सेंस दैट्स ट्रू कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है फिफ्टी परसेंट कैरियर फिफ्टी परसेंट नॉर्मल डॉटर नो फिफ्टी परसेंट कलर लाइन नो ऑल कैरियर नो तो आंसर इज ए बहुत ईजी था बहुत ईजी था कोई डाउट कोई परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नॉर्मल डॉक्टर कहां है बेटा अगर आपके पास याद रखना फादर कलर ब्लाइंड है तो फादर के पास से बच्चे लड़के में कभी नहीं जाता लड़की में जाता है अगर फादर कलर ब्लाइड ब्लाइंड है ना तो इसका मतलब यह है कि आपकी लड़की या तो कैरियर होगी अगर मदर आपकी नॉर्मल है मदर भी कैरियर या फिर आपकी कलर ब्लाइंड तो वहां पर कैरियर और आपका कलर ब्लाइंड लड़की ही बनेगी लड़का नहीं बनता है ठीक है लड़का उस केस में बनेगा जब मम्मी कलर ब्लाइंड या कैरियर हो हमेशा याद रखना लड़का सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन में कलर ब्लाइंड होता है या तो उसकी माँ कैरियर हो या फिर उसकी माँ कलर ब्लाइंड हो लड़के से अपने फादर में कभी अजीब नहीं आता एक्स के ऊपर बैठा होता है ना क्योंकि एक्स का खेल होता है आगे देखो आपके पास है कि इफ लिंकेज वाज नॉन एट अ टाइम ऑफ मैंडल देन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स बताइए जल्दी से काफी इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे इसने तीन लॉ दिए थे लिंकेज क्या कहता है कि आपके पास दो जीन्स होते हैं जो कि एक ही होमोलोगस क्रोमोजोम पे बैठे होते हैं आपस में अलग नहीं होते हैं चिपके हुए रहते हैं जितना कम डिस्टेंस उनका इतना ही दूर जाना उतना ही कम हो जाएगा उतना ही कम चांस हो जाएगा उसका ठीक है क्योंकि जोड़ बहुत जबरदस्त है उनका ठीक है अब यहाँ पे पहले एक चीज बोली थी दो करेक्टर्स के लिए यहाँ पे बात की थी जहाँ पे हमने दो करेक्टर लिए थे डाई हाइब्रिड क्रोस और डाई हाइब्रिड क्रोस से आपका एक ही लो था दैट वॉज इंडिपेंडेंट असोटमेंट यानी ये वाला तो आपका इंडिपेंडेंट असोटमेंट नहीं दे पाता क्योंकि वहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस हो ही नहीं पाता क्योंकि जैसे कि वहां पर क्या हो रहा था हमारे पास था क्या था बट कहीं पर उसने लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोटमेंट दिया था बट वहीं पर मॉर्गन ने वेरिफिकेशन की थी येलो और रेड व्हाइट एंड ब्राउन करके जो आपकी आईज का किया था पूरा फंडा ड्रोसोफिला के अंदर तो वहां पे लिंकेज दिखाई दी थी वहां पे दो जिन अलग नहीं हो रहे थे यानी कि वहां पे लिंकेज थी आपकी ठीक है तो आपका ये वाला हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाता अगर उसको पहले ही मालूम होता ठीक है तो आंसर इज बी रिमेंबर

मैंडल के वर्क को करने वाले थे वेरिस कॉरिन एंड स्मार्ट ठीक है तो ये थे हमारे आखिरी क्वेश्चन अब मुझे बताओ किसके कितने सही है किसके कितने सही आंसर्स थे फटाफट बताइए किसके कितने सही आंसर है और यहाँ पे आपके पास कोड गिवन है दोबारा से बता देती हूँ वाई सिक्स नाइन सेवन जिससे आप क्या कर सकते हैं जिससे आप अपना बैच ले सकते हैं और अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं अगर किसी बच्चे को मुझसे बात करनी है या किसी भी तरीके से ये जी हम जो मैम आपको पूछना चाहते हैं हमको नहीं समझ में आया कैसे लेना है कोर्स लेना कैसे है कोर्स लेने से संबंधित चीज़ भी पूछनी है तो वहां पर आप मेरे को मेल डाल सकते हैं दैट इज बड़ा एस सोनिया डॉट बड़ासी चहल सी एच ए एच ए एल एट द रेट अड्डा ट्वेंटी फ़ोर सेवन डॉट कॉम अड्डा ट्वेंटी फ़ोर सेवन डॉट कॉम ये आप मुझे कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पे भी आप मेल डाल सकते कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है एंड डो नॉट फिर टू लाइक द वीडियो इफ़ यू इंजॉयट द रियली आपको लगा है कि भैया हाँ जी इतना तो वर्ध करती है मैडम कि हम लाइक कर दें तो डूल लाइक ऑल्सो एंड कमेंट करके बताना हर किसी के लिए मस्ट है आप हर कोई बताएगा मुझे कि हाउ ऑज द वीडियो क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है प्यारे बच्चा क्योंकि ताकि मैं जान पाऊँ कि एक्चुअल में बच्चा क्या फील कर रहा है शेयर कर देना अगर आपको लगे कि हाँ इन्फॉर्मेटिव अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है राइट ओके चलो फोर्टी फाइव आउट ऑफ फिफ्टी वेरी बढ़िया बहुत बढ़िया नेगेटिव मार्किंग लगा ली पिल्किंग नेगेटिव मार्किंग करके बताना है ऐसे ही नहीं करना ठीक है थर्टी सिक्स साइलेंट ओके बेटा बहुत बढ़िया थर्टी सिक्स बहुत बढ़िया फोर्टी फाइव किंग बहुत बढ़िया बेटा फोर्टी सेवन अंजली बहुत बढ़िया कोई बात नहीं टेक आयुष बेटा आप दोबारा से शुरू से देख लीजिएगा आपको आ, नूतन बेटा कहाँ मिलेगा आपके पास ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना लिंक है टेलीग्राम का वहां पे ज्वाइन कर लो ठीक है अदरवाइज देर इज अ थिंग ठीक है कोई बात नहीं है यस यस पी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे डू नॉट वरी एंड थैंक यू सो मच गाइस आशी मारोड़ा ओके सो थैंक यू सो मच गाइज अभी के लिए और हाँ अरे यार बाबा बताना भूल जाती हूँ मैं हमेशा आशिमा इसीलिए आई है मेरी क्लास में ताकि वो देख पाए कि मैम ने बताया कि नहीं बताया गाइज यू आर हैविंग अ नंबर जिसके ऊपर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो सेवटी वाले जो कि लोड नहीं हो पा रहे हैं एंड दिस इज द नंबर राइट आपका ये नंबर है जहाँ पे अगर आपको कोई भी क्यूरी है सेवटी से रिलेटेड तो आप इस पर पूछ सकते हो जीरो लगाना जरूरी है जीरो नहीं लगाओगे तो मैडम कोल नहीं उठाएगी वो कहेगा किसी और के पास लग जाएगा कोई और ही बोलेगा जीरो लगा लेना ये बहुत ज़रूरी है फिर उन्होंने आपको बताना कि मैम हमको ये प्रॉब्लम है फिर आपकी स्वीट सी प्यारी सी मैम जो स्वीट से प्यारे से सर जो होंगे वो फटाफट सोल्यूशन आपको दे देंगे ठीक है सो डन फॉर द डे गाइज एंड मिलते हैं शाम को पांच बजे और आपको दोबारा बता देती कि आपकी देते रेगुलर शुरू हो जाएंगे टॉप थर्टी क्वेश्चन हर चैप्टर के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो सेक्शन में सो बाय थैंक यू